अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फाद सलीम और आज मैं आपके लिए सीसीटीवी की दुनिया में से जो टॉपिक लेकर आया हूं उसका नाम है माउंट्स ऑफ द कैमरा, यानी वो माउंट्स, वो स्टैंड्स, वो ब्रैकेट्स जिसके ऊपर आप सिक्योरिटी कैमरास को लगा सकते हैं, रख सकते हैं, उनकी मूवमेंट को एक खास तरतीब के साथ रोक सकते हैं और सामने के मनाजिर को कैप्चर कर सकते हैं। तो इसकी दो बुनियादी टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ सीसीटीवी माउंट्स की दो ही बुनियादी टाइप्स है, एक जनाब है इंडोर माउंट्स और दूसरी है आउटडोर माउंट्स। जैसा कि नाम से ही वाजिया है, बहुत आसान है जी, इंडोर यानी कि अंदर वाली साइड पे लगाया जाता है, किसके अंदर, इमारत के अंदर, घर के अंदर, बिल्डिंग के अंदर, जहां पे भी किसी ऐसा अतराफ जो किसी कवर के अंदर हो उसको हम इंडोर माउंट्स कहते हैं। और ऐसे माउंट्स जो कवर के बाहर ओपन एरिया में लगाए जाते हैं, चाहे वो ग्राउंड हो, चाहे वो बिल्डिंग का बाहर वाला कॉर्नर हो, चाहे वो सड़कें हो या ऐसी जगह जहाँ पे ओपन एक्सपोजर हो किसी भी मामला का, तो उसे हम आउटडोर माउंट्स कहते हैं। इन आउटडोर माउंट्स की चार किस्म की इकसाम है आपके सामने, हम जो ये इकसाम आपको पेश कर रहे हैं, पूरी दुनिया में इसी टाइप के माउंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। साउथ एशिया की जहाँ तक बात करें तो यहाँ पे भी बहुत से मुनफरिद माउंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं और जिनमें से जो ज़्यादा कॉमन और ज़्यादा फेमस है वो ये वॉल माउंट है। बॉल माउंट जो है वो एडजस्ट एम एंड व्यू को करता है, ये एक खास तरतीब का माउंट बना होता है और मेटल और प्लास्टिक दोनों बॉडीज में आता है। यहाँ पिक्चर में आपको इसके बारे में आइडिया हो रहा होगा, इसके आगे जो ये आपको स्क्रू के साथ पोर्शन नजर आ रहा है, ये राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन चारों पोजिशन में एडजस्ट किया जा सकता है और इसको एडजस्ट करके हम कैमरे के एम को और उसके व्यू को एडजस्ट सेट कर सकते हैं, ठीक है जी। सेकेंड माउंट है हमारा जी पेंडेंट माउंट, ये है जी पेंडेंट माउंट। पेंडेंट माउंट एक बड़े खास किस्म का माउंट है जो सीसीटीवी की दुनिया में इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे हॉल्स, बहुत सारी ऐसी जगह जहां पे छत की हाइट ज्यादा होती है वहां ये पेंडेंट माउंट इस्तेमाल किया जाता है। यहां आप पिक्चर में देख सकते हैं कि दो किस्म के माउंट आपको नजर आ रहे हैं, ये एडजस्टर है, इस एक बड़ा और एक छोटा, इन दोनों माउंट्स को आप बिलतरतीब एक दूसरे पे एक से ज्यादा जोड़ के अपनी मतलूबा लिमिट तक उसको डाउन कर सकते हैं छत से। इसका सस्पेंड फ्रॉम सीलिंग यानी सीलिंग से दूर रखा जाता है, सस्पेंड किया जाता है। इसकी मिसाल बिल्कुल आप इस तरह देखेंगे कि हमारी बहुत सारी ऐसी मसाजिद या बड़ी मसाजिद, जामा मसाजिद इस तरह की हैं जहाँ पे छतों की हाइट बहुत ज्यादा होती है और वहां पे अगर सीलिंग फैन लगाया जाए तो वो इतनी हाइट पे नीचे अपने एयर को थ्रो नहीं करता प्रॉपरली, तो वहां पे एक लंबी बार और लंबा पोल लगा के उसको एक मखसूस हाइट तक लेके जाया जाता है ताकि सीलिंग फैन अपनी हवा प्रॉपर दे सके। तो बिल्कुल इसी तरह पेंडेंट माउंट के जरिए हम अपने कैमरा को मतलूबा लिमिट तक नीचे ले आते हैं और इस तरह से उसके सामने के मनाज़िर बिल्कुल वाज़ेह हो जाते हैं, उसके एम और व्यू में खासा फर्क पड़ जाता है, ठीक है। तो ये माउंट जो है आहिस्ता आहिस्ता अभी पाकिस्तान में भी प्रमोट हो रहा है, लोगों ने इसका इस्तेमाल बतदरीज बढ़ा दिया है और इससे व्यू में और उसके एम में और व्यू में और उसकी पिक्चर के मनाजिर में बहुत अच्छा फर्क पड़ रहा है। नंबर थ्री पे हमारे हैं कॉर्नर माउंट। कॉर्नर माउंट, वॉल माउंट बोथ आर वेरी मच फेमस। नॉर्मली लोग वॉल माउंट को जो है कॉर्नर माउंट से रिप्लेस कर देते हैं, लेकिन प्रोफेशनली अगर आप देखें सीसीटीवी माउंट्स में जो प्रोफेशनल तरीका वो ये है कि वॉल माउंट को अमूमन दीवार के साथ लगाया जाता है, वो अंदर वाली दीवार हो, वो बाहर वाली दीवार हो, दोनों के लिए डिफरेंट किस्म के वॉल माउंट इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जो कॉर्नर माउंट होता है ये ऐसी जगह पर लगाया जाता है जहाँ दो दीवारें आपस में क्रॉस मिल रही होती हैं, जो जहाँ पे दो दीवारों का कॉर्नर बन रहा होता है। अब कॉर्नर अगर अंदर वाली साइड पे बनता है तो इसको जिस तरह मैं अगर अपने हाथ की पोजीशन खोलूं तो यहाँ पे इनसाइड माउंट लगाया जा सकता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि कॉर्नर माउंट दो किस्म के हैं, एक हमारा है इनर कॉर्नर माउंट और एक हमारा है आउटर कॉर्नर माउंट। अगर मैं अपने हाथों को इस तरह से खोलूं तो मेरा ये इनर माउंट बनेगा। यहाँ पिक्चर में आपको दिखाते हैं, ये हमारा इनर माउंट है और ये हमारा आउटर माउंट है। इनर माउंट में आप देख सकते हैं कैमरा अंदर वाली पोजिशन पर लगाया गया, जबकि आउटर माउंट में आप देख सकते हैं कि कैमरे को बैरूनी पिलर के साथ लगा दिया गया। तो इस तरह से कैमरे की लगाने की पोजीशन से हमें व्यू को एडजस्ट करने में, एम को एडजस्ट करने में और सबसे बढ़कर अपने फील्ड ऑफ व्यू को एडजस्ट करने में बहुत ज्यादा मदद हासिल होती है। अगर हमारा फील्ड ऑफ व्यू उस कैमरे से प्रॉपर कैप्चर नहीं हो रहा तो उससे डीमेरिट ये हो सकती है कि आप नंबर ऑफ कैमरा आपको बढ़ाने पड़ जाएंगे, आपको वायरिंग का जो अखराजात है बहुत ज्यादा पड़ जाएंगे, कैमरे की वायर ज्यादा लग जाएगी, ज्यादा ऊपर नीचे या दूर कैमरा को लगाना पड़ेगा, इसी तरह उसके व्यू में भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। जबकि अगर आप प्रॉपर माउंट का इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने एफओवी को यानी फील्ड ऑफ व्यू को बहुत बेहतर तरीके से कैप्चर कर सकते हैं और बेहतर मनाजिर कैमरे से अपने रिकॉर्डर तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है जी। फोर्थ एंड लास्ट इज पोल माउंट।
पोल मून बड़ा फेमस है आजकल, जितनी भी हाउसिंग कॉलोनियां बन रही हैं, बहुत सारी सोसाइटीज बन रही हैं, और स्पेशली मोटरवेज पर, हाईवेज पर ये पोल मून बहुत फेमस है। इसके लिए खास किस्म के गैल्वनाइज पोल्स बनाए जाते हैं, पोल्स लगाए जाते हैं, और उस पर स्टेनलेस स्टील की ग्रिप्स के जरिए इन इन कैमरास को आप लगा सकते हैं उसके ऊपर। मेजरली यहाँ पे पेंटेड जूम कैमरास लगाए जाते हैं, पीटी जूम कैमरास लगाए जाते हैं जो चारों तरफ में मूव कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है आप इसके ऊपर ब्रैकेट कैमरास या फिक्स लेंथ कैमरास, लॉन्ग कैमरास वो भी लगा सकते हैं। ये जनाब रेस कैमरा को रेस करता है, रेस करता है, ऊंचा कर देता है, ऊंचा लगाने के लिए बहुत मौजू है, और उसके साथ ये प्रोवाइड करता है अनऑब्स्ट्रक्टेड एफओवी, ऐसा फील्ड ऑफ व्यू जिसमें सामने की रुकावट हमें बिल्कुल ना आए। जाहिर सी बात है कि पोल माउंट में हमारे पास हाइट ज्यादा होती है और इस पर किसी किस्म की ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो सकती, कोई टेंपर नहीं कर सकता, किसी टूल की मदद से आपको इसको जो है इसमें तब्दीली नहीं की जा सकती, इसको टेंपर नहीं किया जा सकता। तो ये बड़ा सेफ एंड साउंड माउंट है, लेकिन ये ऐसी जगहों पे या पहाड़ी इलाकों में आप समझ सकते हैं शहराओं पे बहुत ज्यादा कॉमन है। तो ऐसे माउंट का इस्तेमाल ना सिर्फ आपके व्यू को बेहतर करता है बल्कि आपके फील्ड ऑफ व्यू को, जो आपको एक्चुअल पिक्चर चाहिए कैमरे में वो उसके सही मुनाजिर कैमरा अपने अपने अंदर कैप्चर करता है और वो तस्वीर कर देता है, उसको कम्युनिकेट कर देता है अपने रिकॉर्डर में, और आपके पास एक बेहतर रिकॉर्डिंग आ जाती है और डेफिनेटली आप उसकी आइडेंटिफिकेशन अच्छे तरीके से करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में एक MC DOI का कॉन्सेप्ट बताया था, तो इस कॉन्सेप्ट को पक्का करने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से व्यू करने के लिए आप अगर इन चारों माउंट्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपका व्यू बहुत बेहतर आएगा। थैंक यू सो वेरी मच। अगर आपको हमारी ये दिलचस्प वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।